हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मार्केट ओपनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मार्केट ओपनिंग में कैसे पता करें कि पूरे दिन भर में क्या हो सकता है और ओपनिंग में ही कौन सा ट्रेड ले ताकि एक वोलेटिलिटी के समय अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बन सके और पूरा दिन जैसे कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है आफ्टर 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स, तो उसके बाद में हमें मार्केट को कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन मार्केट जो है वो स्टक हो जाता है, एवरी टाइम ये हो जाता है। लेकिन जब ओपनिंग की वोलेटिलिटी होती है, BTST STBT ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें अपना क्विक प्रॉफिट 30 से 40 पॉइंट्स का हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये बात हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी और इसके साथ साथ कल का मूवमेंट कैसे हो सकता है और आगे आने वाले मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक का इन 3 दिनों में कैसा माहौल हो सकता है, इन सब के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लो। यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस के वीडियोस है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियोस है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड ऑलरेडी की हुई है और आगे भी होती जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर मेरा एनालिसिस पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पर मिली है आज, 16985 के पास निफ्टी जो है वो आज बंद हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो और ज्यादा वीक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमने बात की थी 17,200 के लेवल की, यहां से निफ्टी ने तीन से चार बारी ट्राई किया 17,200 का लेवल। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर एक बार ट्राई किया, यहां पर एक बार ट्राई किया, देन यहां पर और फिर यहां पर, यानी कि चार बारी निफ्टी ने 17,200 ट्राई किया, नहीं तोड़ पाया, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। और उसके बाद में पिछले सेशन से हमें जो है वो फिर से गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। अभी अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल देखिए एक इनडिसिसिव फॉर्मेशन है, ओपन और क्लोज सेम पोजीशन पे है और यहां से बायर्स और सेलर्स दोनों इनडिसिसिव है। कहां पर जाना है ये इस कैंडल के समय, ये इस मार्केट के समय हम लोग नहीं कह सकते हैं कि निफ्टी यहां से अपसाइड जाएगा या फिर डाउनसाइड जाएगा, क्योंकि निफ्टी फंसा हुआ है यहां पर। आज की बात करें तो 1750 के ऊपर निफ्टी ने बहुत ट्राई किया लेकिन 1750 के ऊपर टिक नहीं पाया और वहां से गिरावट जो है वो हमें 16920-900 तक जाती हुई दिखाई दी। अभी अगर हम लोग देखें तो कैंडल एक इंडिसिसिव है, ओपनिंग की अगर बात करें तो उससे पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देंगे निफ्टी के। अभी अगर मैं देखूं तो निफ्टी जो ग्लोबल हमारा मार्केट है वो बढ़िया चल रहा है और इसके साथ साथ निफ्टी जो है वो आज हमें थोड़ा स्टेबल रहता हुआ दिखाई दिया। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट इज ऑन फायर टुडे और अभी भी देखिए अभी भी डाउ जोन्स अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक फैक्टर हमने चेक कर लिया। इसके साथ साथ निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे कि FIIs का बाइंग, तो हमें ये भी चेक करना इम्पोर्टेंट होता है कि FIIs ने क्या पोजिशन बनाई हुई है निफ्टी के अंदर। तो FIIs की पोजीशन की अगर मैं बात करूं, FIIs FNO data for the day as on 27th March, FIIs made futures index long and futures stock long for 36,899 and 25,682 quantities, and in options index they bought calls and bought puts for 1,32,410 and 29,994 quantities. So yahan par gigantic calls bought then puts. So in stock options today bought calls and sold puts for 4,058 and 4,548 quantities with selling in cash for less than 1 crore. Thus going with bullish bias on the day's position. So for last
three days since 23rd March, FIIs are buying in futures on Delhi positions. So ये एक factor जो है वो important होता है FIIs का, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ एक factor है, इसके ऊपर हम लोग trade नहीं ले सकते. ये हमारे knowledge के लिए होता है कि FIIs का position क्या change हो रहा है, क्योंकि FIIs keep changing, adjusting square of their position on the daily basis of the day. So ये जो data है ये हम लोग consider कर सकते हैं as one of the parameters for trade, but not the only factor to take the trades. ये एक factor हो गया, तो यहाँ से एक जो है वो हमें bullish view जो है वो Nifty के लिए और हमारे market के लिए यहाँ पर हमारे दिख रहा है. अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा chart, हमारा technical analysis, हमारा price action analysis, क्या उन सब के ऊपर भी ये factor इफेक्ट करता है, क्या ये सब मैच होते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें इस एक्सपायरी के लिए आगे आने वाले या फिर कल के लिए बुलिश दिख सकता है, ये अभी हम लोग चेक कर लेते हैं. तो अभी देखिए निफ्टी की अगर मैं कल के लिए ओपनिंग की बात करूँ, 16985, मैंने आपको बीटीएसटी के वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी 16950 से नीचे या फिर 960 से नीचे जाता है तो ही एक हम लोग डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर. अभी कैंडल के ऊपर जाए तो इंडिसिसिव है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो निफ्टी जो है वो कल के लिए हमें 17,000 के ऊपर की ओपनिंग दिखा सकता है. और अगर 17,000 के ऊपर की ओपनिंग दिखाता है तो तुरंत ही हम लोग एक 50 से 80 पॉइंट्स तुरंत बुक कर सकते हैं ओपनिंग के समय ही. अगर निफ्टी 17,000-17,020 यहाँ पर ओपनिंग करता है तो यहाँ से क्विकली एक 50 से 60 पॉइंट्स का अपमूव हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, और निफ्टी जो है वो हमें 17,050 और 17,090 तक जाता हुआ दिखाई देगा. अगर 17,100 से ऊपर की ओपनिंग हो गई तो यहाँ से भाई निफ्टी को फिर से 17,150 और 170 तक जाते हुए कोई भी नहीं रोक सकता है फिर इंट्राडे में. तो अगर ओपनिंग बढ़िया हो जाती है, गैप अप हो जाती है 1750-1700 के पास, तो एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं. निफ्टी के अंदर मैं बेरिश तभी होंगी अभी जब निफ्टी 16950 से बिलो जाएगा. तो अगर ओपनिंग जो 16950 से बिलो हो जाती है निफ्टी की, तो यहाँ से एक हम लोग 16900 एंड 16880 जो ये हमारा साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो निफ्टी ने दो बार टेस्ट किया हुआ है और एक रिवर्सल लिया हुआ है, उस लेवल तक निफ्टी जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है. और इस लेवल से नीचे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इस लेवल से नीचे फिर से शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी हमें 16700 और 16500 तक के लेवल आसानी से दिखा देगा. अभी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं और पिछले कई दिन से जो डेटा है उसकी बात करूं, तो यहां पर इस मार्केट के अंदर क्या है कि एवरी डिप जो हमें डिप मिल रही है वहां से एक बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, और वहां से निफ्टी बैंक निफ्टी हो जाए वहां से सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा बाउंस देता हुआ हमें दिख रहा है. ऑल्सो यहाँ पर एक बात है कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी भी हम लोग देख रहे हैं कि सेल ऑन राइज भी हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हमें अपसाइड में दिखने को मिल रही है. और ये फिलहाल कुछ दिनों से जो है वो मार्केट चल रहा है, एवरी डिप में बाइंग आ रही है और एवरी अपसाइड में एक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है. और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि निफ्टी जो है वो इस रेंज में फंसा हुआ है. आप देख रहे हैं 17,200 और 16880, इस रेंज में हमें मार्केट हाईली वोलेटाइल दिखाई देगा. इसके साथ साथ एक अपसाइड के लिए बाउंस हो जाएगा तो वहां से एक सेलिंग आती हुई दिखाई देगी और सपोर्ट के पास से एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी, तो ये इसी बीच में होगा. तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस रेंज का ब्रेकआउट. इस रेंज का ब्रेकआउट मिलते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने पुराने फॉर्म में वापस आता हुआ हमें दिखाई देगा. फिलहाल निफ्टी के लिए 17,200 का रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 16880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. इस बीच में जितना हो सके हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे. 30 हो गए, 40 पॉइंट्स हो गए, निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग करना ही मेरे
ख्याल से बेहतर होगा। 15 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स एवरी ट्रेड में हमें उतना निकालना है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। एवरी ट्रेड के अंदर हमें 10 से 20 पॉइंट्स आसानी से मिल जाते हैं और इसमें लॉस भी नहीं होगा। ये मेरी निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी, तो ये आप ध्यान में रखिए, जो लेवल बोला है उस लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग कीजिए। अगर 17,000 के ऊपर, 17,020 या फिर 17,030 के पास ओपनिंग हो जाती है तो क्विकली एक 50 से 60 पॉइंट्स का अपमूव हम लोग निफ्टी के अंदर कैच करेंगे। और इसके साथ साथ मैं अपने जो पब्लिक चैनल है, फ्री चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर लाइव मार्केट के दौरान एवरी डे 1 या फिर 2 फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड करती हूँ, तो उस पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सके। और अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हैं और सेफली अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगा कि कौन से ट्रेड में कितने पॉइंट्स आपको बुक करने हैं। अगर कोई ट्रेड में लॉस होता है, जैसे कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उस लॉस को हम लोग कैसे रिकवर करें और प्रॉफिट बना ले, इसके बारे में भी आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए पहले तो आपको फ्री चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। ये बात हो गई निफ्टी के लिए। निफ्टी के अंदर 16,950 से नीचे ही मैं बेरिश हूँ और इससे नीचे ही हम लोग पुट के अंदर जाएंगे निफ्टी 50 के लिए। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन भी है और इसके साथ साथ और भी कई सेक्टर्स होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें अच्छी खासी तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा तो निफ्टी भी आसानी से भागेगा। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, 39,431 के पास निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। और निफ्टी बैंक के अंदर जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कि 39,350 और 360 के सपोर्ट से ही एक रिकवरी मिल सकती है, अगर इस सपोर्ट को निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो डेज लो की तरफ जाएगा, और मैंने एक लेवल आपको बताया था 39,250 का, इससे नीचे ही निफ्टी बैंक के अंदर मैं जो है वो बेरिश हूं। अभी की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो आज लास्ट सेकेंड हाफ में जो तेजी पकड़ा था 39,700 तक गया था। पहले तो ओपनिंग में, पहले हाफ में निफ्टी बैंक ने बहुत स्ट्रगल किया 39,550 और 600 के रेंज में, यहाँ पर टिकने के लिए बहुत ट्राई किया, बाइंग के लिए डिप मारी थी, डिप से एक बाइंग भी आई थी, लेकिन वो बाइंग उतनी बढ़िया नहीं थी जो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को 39,650 के ऊपर लेके जाती। लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी बैंक ने वो जो टारगेट था 39,600 के अबाव का, वो अचीव कर लिया था। 39,695 तक निफ्टी बैंक ने हाई किया और वहां से क्विकली एक गिरावट जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर हमें आती हुई दिखाई दी। आज आप यहां पर देख सकते हैं 39,695 और 700 से निफ्टी बैंक ने एक डाउनफॉल हमें दिखाया था। मैंने पहले भी कहा है आपको कि अगर ऐसी राइज हमें देखने को मिलती है और उसके बाद में एक हॉल्ट हो जाता है निफ्टी, मतलब मार्केट के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, तो स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है उस इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर वही हुआ, 39,700 से निफ्टी बैंक ने ट्राई किया सस्टेन करने के लिए, हॉल्ट लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी बैंक ने हॉल्ट लिया था और वहां से जो गिरावट हुई है वो कहाँ तक हुई है, 39,280 तक निफ्टी बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दिया और फिर एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी और निफ्टी बैंक ने हमें 39,431 का हाई करता हुआ, मतलब जो डेज लो से रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 39,350 से नीचे बेरिश है। अगर निफ्टी बैंक कल यानी कि ओपनिंग में 39,350-360 से नीचे की ओपनिंग करता है तो फिर से एक बारी 100 से 200 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है। ओपनिंग की यहां से मैं अगर बात करूं तो 39,431 के पास ओपनिंग की है, तो चांसेस है निफ्टी बैंक के कल के लिए
39,550 और 600 के रेंज के ओपनिंग के। जैसे कि निफ्टी के लिए मैंने बताया है कि निफ्टी के चांसेस है 17,020-30 के पास ओपनिंग के या फिर उससे ऊपर के भी। तो अगर अपसाइड की ओपनिंग हो जाती है 550-600 के ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो क्विकली निफ्टी बैंक जो है वो 39,710 तक एक ट्राई मारेगा। जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए वो है 39,750 का लेवल। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपको कहा था इंडेक्स में निफ्टी के लिए, जैसे मैंने कहा था कि 16,880 और 17,200 ये एक जोन है जहाँ पर हमें एक सेलिंग मिल सकती है राइस पे और डिप में एक बाइंग मिल सकती है, वैसे ही 39,750 और 39,000 के बीच में निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। बिलो 39,000 निफ्टी बैंक और निगेटिव होगा और डाउनफॉल होगा टुवर्ड्स 38,500 एंड 38,000। अभी अगर मैं कल की बात करूँ तो कल अगर निफ्टी बैंक 39,350-360 से नीचे की ओपनिंग करता है तो एक क्विकली 100 पॉइंट्स का फॉल हम लोग देख सकते हैं 250 और 200 के रेंज तक निफ्टी बैंक के लिए। और अगर ओपनिंग जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि चांसेस है यहाँ से 39,550 और 600 के ऊपर की ओपनिंग के या फिर इससे आसपास के ओपनिंग के, तो यहाँ से निफ्टी बैंक स्लोली हमें 39,700-750 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर 750 के पास आता है तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस मौजूद है। वैसे ही डिप में अगर आप जाते हो 350-360 के तो आपको ज्यादा के लिए नहीं जाना है, सिर्फ 100 या फिर 150 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है तो उसमें अपना पुट जो है वो बुक कर लेना है। तो ये पॉसिबिलिटीज निफ्टी बैंक के लिए है। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, डाउन साइड के लिए 39,350-360 का फर्स्ट सपोर्ट, इससे नीचे 39,200-250 तक का फॉल, और अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है तो डाउनसाइड के लिए 39,000 तक का फॉल हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। अपसाइड के लिए 39,750 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से और कल के लिए पॉसिबिलिटीज है, तो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड जरूर कीजिएगा। और मेरा जो पब्लिक चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लाइव मार्केट में आपको ओपनिंग में बढ़िया से बढ़िया ट्रेड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।